तो भाई अभी है मेरा तेल अवीव में, इसराइल में आखिरी दिन। कल दोपहर की मेरी फ्लाइट है 4 बजे की। तो भावेश भाई तो ये यहाँ पे इसराइल में काम करते हैं, इनका मेरे पास ऐसे मेल आया कि मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई आ जाओ मेरे हॉस्टल और चलते हैं किसी एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं, क्योंकि 2 हफ्तों से मैं फलाफल और इनका शक्शुका वगैरह ही खा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो भाई एक इंडियन रेस्टोरेंट पर जाके देख के आते हैं। हर देश में मैं जाता ही हूँ, एक इंडियन रेस्टोरेंट अपना सा लगता है थोड़ा। हाँ सही। तो यहाँ पे भी हम आए इंदिरा रेस्टोरेंट में आए हैं। भावेश भाई कहाँ से? मैं गुजरात से हूँ, पोरबंदर। कब से हैं आप? 5.5 साल। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो थोड़ी हिब्रू सिखा दो मतलब लोगों को। रू में कुछ भी मतलब नॉर्मल सब भाई बोलते हैं। यहाँ लोग शलोम बोलते हैं। शलोम शलोम। हाँ। और कैसे हो? मतलब मनीष्मा मतलब सब लोग, औरत और मर्द, जेंट्स और बॉय के लिए, सबके लिए। हाँ हाँ। जैसे मनीष्मा हमने बोला तो भाई मनीष्मा कैसे हो? सब कैसे हो? सब लोग बैठे हुए हैं तो उसमें वो जेंट्स सब आ गए हैं। अच्छा अच्छा। तो वैसे हम मनीष्मा बोल सकते हैं और सामने से रिप्लाई आएगा डिसेजर। हाँ। मतलब सब ठीक है। क्या? डिसेजर। डिसेजर। हाँ मतलब सब ठीक है। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा अगर सब अच्छा रहा, बहुत अच्छा, तो बोलेगा भाई अकल विसर्जर है। अच्छा। तो वैसे सब थोड़े थोड़े वर्ड्स होते हैं, जैसे लोग यहाँ थैंक यू कहे तो दारबा बोलते हैं। सॉरी, तुदा रबा। मुश्किल है थोड़ी लैंग्वेज तुदा रबा। हाँ, वो पहले प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर बाद में हर रोज हम लोगों को सुनने में आता है उसी हिसाब से फिर थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं क्या बोल रहा है सामने वाला, तो उसी हिसाब से वैसे ही। तो सब अच्छा है यहाँ। आप मतलब लिख भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं? नहीं, लिख पढ़ नहीं सकते, समझ सकते हैं। अच्छा। और बोल सकते हैं। अच्छा, मतलब मेन्यू आप नहीं पढ़ सकते? नहीं, मेन्यू नहीं पढ़। अच्छा। मतलब अल्फाबेट कुछ पता रहता है। हाँ। मतलब हमारे यहाँ जैसे वो कैसे होता है की का वगैरह सब। हाँ। इन लोगों का ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अच्छा। लिखने में भी अलग लिखते हैं, जैसे कंप्यूटर राइटिंग हो गई उसमें भी अलग अलग होता है ग्रुप, और हम नॉर्मल लिखते हैं वो एक ग्रुप ही अलग होता है। अच्छा। इसीलिए हम लोगों को अगर हम सीखना चाहते हैं कि भैया हम सीख लेते हैं, चलिए अगर गूगल में टाइपिंग करते हैं तो वो भी अलग होता है, और इन लोगों की लोकल लिखने की वो राइटिंग वो भी अलग होती है पूरी, तो समझ ही नहीं पाते। जैसे हमारे डॉक्टर कैसे हमारे यहाँ वो देते हैं, सब ऐसा ही है, बस ऐसे कुछ पता नहीं चलता क्या लिखा हुआ है, बस ऐसे ही होता है ऐसे। और मतलब यहाँ पे आपने इतने साल से रह रहे हो और आपने कुछ मतलब डिस्क्रिमिनेशन भी देखा है इंडियन के खिलाफ? नहीं, सब इंडियंस को पसंद करते हैं, सब बहुत पसंद करते हैं। मैं खुद एक फैमिली में 4 साल से रहा हूँ, उससे पहले फैमिली में रहा था, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत प्यार करते हैं, जैसे हमारी फैमिली जैसे ही रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है मतलब ये सब उसके जैसे, जैसे 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती। हाँ। कुछ लोग निकलते हैं जैसे अपने अभी इंडिया से जैसे ये यहूदी मूव हुए हैं, उन लोगों को तो सबको पता है क्या पोजीशन है, ये कहाँ से आते हैं, फैमिली कैसी है, उसके हिसाब से कोई बिहेव करता है हमारे साथ, या फिर कोई अरबिक कंट्री से आता है ना, बहुत कोई ऐसा बंदा निकलता है, कोई ऐसी फैमिली जो थोड़ा रूड बिहेव करते हैं, वरना तो सब चंगा है। ये इसमें मतलब इस ग्लास में नींबू क्यों डाल के दिया है? बस ये अभी कोरोना चल रहा है ना। अच्छा, इसलिए मेरे ख्याल से वरना पहले नहीं देते थे, अभी दे रहे हैं, मतलब नींबू सस्ता हो गया। तो ये थे भाई भावेश भाई, यहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलकर। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अभी बस खाने का इंतज़ार कर रही है, तो घर पे खा के आ गए, थोड़ा लेट हो गए हम कम्युनिकेशन करने में, तो बैंगन का भरता घर से खा के आ गए और बाजरे की रोटी। तो घर पे बनाते हो? हाँ, शुरू से ही घर पे बना रहे हो? पहले थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि घर से हम लोग आते थे तब इतना कोई बनाना सब घर से मम्मी वगैरह सब बना के देते थे, खाते थे, पर यहाँ तो बस सामान उठाया और आ गए। फिर जैसे जैसे पता चला कि इन लोगों का खाना हम लोगों को सूट नहीं करेगा तो फिर ट्राई करने लगे, तो फिर एक साल में से सब सही हो गया। इसराइल में सबसे सही खाना कौन सा लगता है आपको? मुझे सबसे ज़्यादा तो ये शवारमा रहता है। हाँ। फिर आप सलाद खाते हो अगर आपको डाइट करनी है,
तो आप इन लोगों का खाना खा सकते हैं सर, क्योंकि ये डाइट के हिसाब से इन लोगों का खाना बहुत हेल्दी और बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, और हम लोगों का खाना बहुत ऑयली रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो फलाफल के बारे में क्या कहना है आपका? फलाफल भी सही है, और उसमें वो हुमस वगैरह हुमस सब डाल के वो देते हैं। सबसे सस्ता शॉर्मा कितने का मिलेगा यहाँ पे? सबसे सस्ता 25 सेकल का। अच्छा, हाँ सबसे सस्ता मतलब ढूंढ निकलोगे तो 25 से कम नहीं? 25 से कम नहीं, 25 से वो ये मैंने खाया नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये 45 से स्टार्ट किया है। अच्छा, मगर एक मेरा फ्रेंड है वो बोल रहा था कि तरखाना है ना, मतलब सेंट्रल बस स्टेशन, वहाँ 25 का भी मिलता है, मतलब मैंने सुना है, मतलब खाया नहीं है। जब मैंने 45 सेकल का स्टार्ट किया था, मतलब ये 500 रुपीज का सवार में, तो 500 में तो मेरे ख्याल से पूरा अपने यहाँ पे पूरा मुर्गा आ जाएगा। अरे हाँ, वो तो सही है। 45 का तो मतलब 900 से प्लस हो गया आपका। और नहीं देखिए, और सबसे सस्ता फलाफल और चिकन भी मेरे ख्याल से यह 200 ग्राम समथिंग उसमें कुछ रहता होगा, बाकी तो सब ये हुम्मस वगैरह सलाद डाल के वर्क कर रहे थे। और उसमें कुछ मसाला वगैरह भी नहीं रहता है, ब्लैक पेपर डाल के और उसको 15-10 मिनट उसमें रोस्ट करके फिर दे दीजिए। और सबसे सस्ता फलाफल? सबसे सस्ता फलाफल अगर आप यहाँ दलहन में खाओगे तो ये एक्सपेंसिव रहेगा, अगर बाहर खाओगे तो आपको ये 8 सेकल से स्टार्ट होता है। यहाँ 10-12 सेकल। तो ये थे भाई सबसे सस्ते, मतलब अगर आप ढूंढना चाहो 25 सेकल का ढूंढ, मतलब पता है कि मिलता है पर खाया नहीं आज तक। 45 का सबसे सस्ता पर आपको सॉरी शॉर्मा खाया है, वो सबसे अच्छा रहता है, हेल्दी भी रहता है, और हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम इंडिया में ही है, इंडियन खाना ही खा रहे हैं। अच्छा, शवारमा का छोड़ के दूसरी कोई चीज खाई जैसा लगता है, तो अभी कहीं बाहर निकले है। शवारमा सबसे अच्छा रहता है। एक ही खुनाफा करके मिठाई आती है ना, खुनाफा? हाँ हाँ हाँ, कहीं आस पास मिलती है, यहाँ मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, अभी फेस्टिवल आ रहा है ना, तो ये बेकरी पर सब मिलेगा। नहीं अभी अभी मैं तो कल जाता था, मतलब बेकरी यहाँ आसपास कहीं ना कहीं बेकरी तो रहती है। अच्छा, ये लोग खाते ही रहते हैं रास्ते। तो अभी देखते हैं, मैं देख लूँगा क्या होता है। अच्छा होता है, खाया ठीक होता है। अच्छा ठीक है, मतलब फेस्टिवल के टाइम वगैरह ऐसे बनाते रहते हैं, तब सबसे अच्छी बनाते थे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ भाई इंडियन रेस्टोरेंट में क्या प्राइस है। तो बटर चिकन है 85 शेकल का, मतलब 1700-1800 रुपये हो गए। ठीक है, ये सारे चिकन के रेट हैं, सारे 1800-1800-1800। वेज नूडल्स 800 रुपए की। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं भाई वेज वालों के लिए थोड़ी सही है रेट, 50 के अंदर दाल मखनी, मतलब 50 के अंदर मिल रहा है तो सस्ता ही है, मतलब मान लो 50 के अंदर मिलता है मतलब सस्ता है। तो मतलब दाल मखनी मतलब 1000 रुपए की हो गई है। ठीक है, फिर मलाई कोफ्ता 1500 का। फिर आते गार्लिक नान, एक नान ये हो गया 300 का। ये फिर भी मेरे को थोड़ा 15 देखते हैं तो मतलब खुशी से मिलते, कुछ तो 15 का मिल रहा है। प्लेन नान खा सकते हो अगर आप बजट पे हो, ठीक है 3 शेकल बचा सकते हो। फिर ये चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन फुल, ये तो 115 है, तो 2400-2500 रुपये का हो गया। तो ऐसा कुछ है और जूस वगैरह 18, कोला वगैरह इतने की, बियर 25। ब्लैक लेवल मतलब क्या है ये? 49 की बोतल थोड़ी देंगे क्या? नहीं, ये 49 ये पैक। अच्छा पैक 1000 रुपए? हाँ 1000 रुपए सर। तो यहाँ भावेश भाई ने चाय भी मंगाई है मलाई मार के। कैसी थी भाई चाय? चाय एकदम बढ़िया थी, इंडिया वाली। हाँ लग रही है इंडिया वाली मेरे को भी। और ये मैंने खाना जो बच गया, मतलब 2 लोगों जितना था तो मैंने पैक करा लिया है, इसके साथ एक नान भी एक्स्ट्रा, तो रात को खा लेंगे। तो भाई अभी खाना खा लिया, और इसका बिल कितना है भावेश भाई? लाएगा अभी तो मेरे हिसाब से 30, दो नान 30, 50 का वो 80, और 10-10 की चाय तो होंगी, तो 100 शेकल का बिल। मतलब ये सबसे महंगा रेस्टोरेंट
इंडियन रेस्टोरेंट जो भी मैंने बाहर खाया, जापान महंगा लगा था मेरे को पहले, फिर साउथ कोरिया भी महंगा लगा था, अब ये तो भाई इसने तो मतलब पारी कर दिया सब कुछ। इतने में तो मतलब आप किसी भी देश में जाके इंडियन खाना खा सकते हो जितने में यहाँ खाया। पर एक बात है, अगर आप दो गार्लिक नान ले लो और एक ये ले लो तो दो बंदे आराम से खा सकते हैं चाय के साथ। ये था रेस्टोरेंट, इंदिरा रेस्टोरेंट करके नाम है, इसकी लोकेशन में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आओगे तो खा सकते हैं, आप विजिट कर सकते हो। तो वही ये हमारे आगे शेफ जिन्होंने अभी खाना खिलाया बना के हमको। आप कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से कहाँ से? उत्तराखंड गढ़वाल टिहरी गढ़वाल से। अच्छा टिहरी से हो? हाँ। जो उसके पास है शायद ये मसूरी से जाते वक्त मैं गया था टिहरी की तरफ, 100 किलोमीटर है शायद मसूरी। हाँ, इतने लगभग बीच में भी आती है जगह, मतलब बीच काफी बड़ा है। तो ये बताओ यार, यहाँ पे मतलब ज्यादा इंडियन खाने आते हैं या फॉरेनर खाने आते हैं? नहीं, ये ज्यादा फॉरेनर लोग खाने आते हैं। फॉरेनर लोग ज्यादा खाने आते हैं। तो ये जैसे यहाँ के या कोई जैसे बाहर से घूमने आ रहा है ज्यादा फॉरेनर, इंडियन तो जैसे कोई घूमने आ रखोगे यहाँ पे तो ये आते हैं। यहाँ मतलब बहुत कम लोग आते हैं, ज्यादातर फॉरेनर लोग है या इजरायली लोग आते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब यहाँ पे क्या खाते हैं ज्यादातर लोग इजरायली जो आते हैं, क्या मतलब मेन्यू में से क्या खाते हैं? मेन्यू में जब तो मेन्यू में लगभग सभी हमारा टिक्का मसाला हो गया, जो पनीर का कोई डिश हो गया। सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर करते हैं? सब ज्यादा एक तो मलाई कोफ्ता जाता है। अच्छा, नीचे चिकन टिक्का मसाला जाता है और पल्ला समोसा हो गया। समोसा समोसा। अच्छा, वो इंडिया वाला समोसा है? हाँ, इंडियन वाला समोसा। हम ही लोग तो बनाते हैं। इंडियन जैसे खाना तो हम बनाते हैं, मेरे ये लोग क्या लाइक ऐसे नहीं बना, इंडियन जैसे नहीं बनाते। अगर वैसे बनाए तो ये लोग कंप्लेन करेंगे, लोग स्पाइसी नहीं खाते, थोड़ा उस हिसाब से वहाँ जैसे भी आप लोग आएंगे या कोई इंडियन से इंडियन होगा तो फिर उनको पूरी इंडियन स्टाइल में देते हैं। अगर हम यहाँ लोगों को इंडियन स्टाइल देंगे तो ये लोग उतना नहीं खा पाते, तो ये लोग थोड़ा कम मसाला कम मिर्च थोड़ा चीनी टच करो के जैसे। नहीं, इब्रो तो नहीं आती है, थोड़ी बहुत हाँ थोड़े हेलो आइए इतना आता है। हम तो ये पे 5 साल मस्त लग रही है जगह। हाँ अच्छा है, मतलब डायरेक्ट इंडिया से यहीं पे आए थे या पहले भी किसी और देश गए? नहीं नहीं, पहले मेरा फर्स्ट ही है चाय बनती है, लोग चाय भी चाय चाय भी बहुत अच्छी थी। चाय मेन्यू में नहीं है ना? मेन्यू में भी है। कहाँ दिखाना? मीनू में भी चाय आपको मैंने जितने जैसे चाय समोसा पकौड़े ओनियन रिंग हो गए और इसमें चाय है इसमें मिली नहीं मेरे को होगी लेकिन चाय है इसमें। अच्छा बिकी नहीं लेकिन कुलदीप चाय है ना मीनू में? जी हाँ, मीनू जो वो देखो आपने जो पढ़ते हो उसमें मतलब चाय है मीनू में, चाय पकौड़ा। नहीं, मोमोज तो नहीं देने, मोमोज ये देख रहे हो चाइनीज से हो, इंडियन भी ऐसे कर रहे हो जो अपने रहे कर इंडियन खा देते हैं, तो इंडियन ही सब सकते हैं मोमोज उस कहाँ चाहिए देने हैं आपको, बाकी यहाँ पे लगभग सब मिल ही जाए जो आपको लेना चाहिए होता है जो हमने मिलने में वो सब अभी मिल चुके हैं। चलो भाई इसराइल आओ तो बताना भाई कि मेरी वीडियो देख के और गौतम भाई जरूर मिल के जाना। चलो भाई करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, बाय बाय। अच्छा ये आप पूरा रिपोर्ट होंगे।